हेलो गाइस एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आज के इस बिल्कुल नए और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो में दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 50 ऐसे डेली यूज़ वर्ड्स जिन्हें सीखने के बाद आप आज और अभी से इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे हर एक वर्ड के साथ मैं आपको एक एग्जांपल भी बताऊंगा जिससे कि उस वर्ड का यूज़ कैसे करना है आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे तो दोस्तों अगर आप भी कुछ नया सीखना चाहते हैं तो फटाफट से कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए चलिए अपना आज का लेसन शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला वर्ड है प्रॉमिस प्रॉमिस का मतलब होता है वादा करना एग्जाम्पल देखिए इसका मैं तुमसे वादा करता हूं आई प्रॉमिस यू आई प्रॉमिस यू नेक्स्ट नॉइज नॉइज का मतलब होता है शोर एग्जाम्पल देखिए शोर मत मचाओ डोंट मेक अ नेक्स्ट गिव गिव का मतलब होता है देना एग्जाम्पल देखिए उसने मुझे कुछ नहीं दिया ही डिडंट गिव मी एनी थिंग ही डिडंट गिव मी एनी थिंग नेक्स्ट न्यूज न्यूज का मतलब होता है खबर फॉर एग्ज़ाम्पल यह तो अच्छी खबर है इट्स अ गुड न्यूज इट्स अ गुड न्यूज नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट का मतलब होता है जरूरी एग्जाम्पल देखिए यह मेरे लिए बहुत जरूरी है इट्स वेरी इम्पोर्टेंट फॉर मी इट्स वेरी इम्पोर्टेंट फॉर मी नेक्स्ट वर्ड इज सिंपल सिंपल का मतलब होता है आसान फॉर एग्जाम्पल यह एक आसान प्रश्न है इट इज अ सिंपल क्वेश्चन इट इज अ सिंपल क्वेश्चन नेक्स्ट बाय बाय बायस होता है खरीदना किसी चीज को एग्जाम्पल देखिए मैंने कुछ भी नहीं खरीदा आई डिड नॉट बाय एनी थिंग आई डिड नॉट बाय एनी थिंग नेक्स्ट वर्ड इज एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा फॉर एग्ज़ाम्पल यह ड्रेस बहुत महंगी है दिस ड्रेस इज़ टू एक्सपेंसिव दिस ड्रेस इज़ टू एक्सपेंसिव नेक्स्ट वर्ड इज़ अशैम्ड अशैम्ड का मतलब होता है शर्मिंदा फॉर एग्जाम्पल मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ आई एम अशैम्ब फॉर माई एक्ट्स आई एम अशैम्ड फॉर माई एक्ट्स नेक्स्ट इज़ डीप डीप का मतलब होता है गहरा एग्जाम्पल देखिए यह कुआं बहुत गहरा है दिस वेल इज टू डीप दिस वेल इज टू डीप नेक्स्ट ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी का मतलब होता है इंसानियत फॉर एग्जाम्पल कुछ तो इंसानियत रखो हैव सम ह्यूमैनिटी हैव सम ह्यूमैनिटी नेक्स्ट इज वेपन वेपन मीन्स होता है हथियार फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई हथियार नहीं है आई डोंट हैव एनी वेपन आई डोंट हैव एनी वेपन नेक्स्ट हॉटी हॉटी मीन्स होता है घमंडी एग्जाम्पल देखिए वह बहुत घमंडी हो गया है ही हैज़ बिकम टू हॉटी ही हैज़ बिकम टू हॉटी नेक्स्ट लेगेसी लेगेसी मीन्स होता है विरासत फॉर एग्जाम्पल मुझे यह सब विरासत में मिला है आई हैव गॉट ऑल दिस एज अ लेगेसी आई हैव गॉट ऑल दिस एज अ लेगेसी नेक्स्ट वर्ड इज इग्नोरेंट इग्नोरेंट का मतलब होता है अनजान एग्जाम्पल देखिए इतने अनजान मत बनो डोंट बी सो इग्नोरेंट नेक्स्ट सैक्रामेंट्स सैक्रामेंट्स का मतलब होता है संस्कार फॉर एग्जाम्पल मुझे यह संस्कार मेरे माता पिता से मिले आई गॉट दी सैक्रामेंट्स फ्रॉम माई पेरेंट्स आई गॉट दी सैक्रामेंट्स फ्रॉम माई पेरेंट्स नेक्स्ट वर्ड प्रेज प्रेज मीन्स होता है तारीफ करना एग्जाम्पल देखिए मेरी टीचर ने मेरी तारीफ की माई टीचर प्रेज्ड मी माई टीचर प्रेज्ड मी नेक्स्ट इज़ योकल योकल मीन्स होता है गवार फॉर एग्जाम्पल यह गवार यहाँ क्या कर रहा है वट इज़ दिस योकल डूइंग हेयर वट इज़ दिस योकल डूइंग हेयर नेक्स्ट वर्ड इज इलिटरेट इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़ एग्जाम्पल देखिए मेरे माँ बाप अनपढ़ हैं माई पेरेंट्स आर इलिटरेट माई पेरेंट्स आर इलिटरेट नेक्स्ट वर्ड इज एजुकेटेड एजुकेटेड का मतलब होता है पढ़ा लिखा फॉर एग्जाम्पल अमित एक पढ़ा लिखा लड़का है अमित इज एन एजुकेटेड बॉय अमित इज एन एजुकेटेड बॉय नेक्स्ट वर्ड इज डिलीशियस डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट एग्जाम्पल देखिए इसका भोजन बहुत स्वादिष्ट है द फूड इज डिलीशियस द फूड इज डिलीशियस नेक्स्ट प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट का मतलब होता है आंदोलन एग्जाम्पल देखिए किसान आंदोलन कर रहे हैं द फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग द फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग नेक्स्ट वर्ड इज़ पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट का मतलब होता है हिस्सा लेना फॉर एग्जाम्पल मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा लूंगा आई विल पार्टिसिपेट इन दिस कॉम्पिटिशन आई विल पार्टिसिपेट इन दिस कॉम्पिटिशन नेक्स्ट वर्ड इज रेगरेट रेगरेट का मतलब होता है पछतावा फॉर एग्जाम्पल मुझे अपने फैसले पर पछतावा है आई रेगरेट माई डिसीजन आई रेगरेट माई डिसीजन नेक्स्ट क्वाइट क्वाइट का मतलब होता है शांत एग्जाम्पल देखिए क्या तुम शांत नहीं रह सकते कांट यू बी क्वाइट कांट यू बी क्वाइट नेक्स्ट डिसीव डिसीव का मतलब होता है धोखा देना फॉर एग्जाम्पल उसने मुझे धोखा दिया ही डिसीव्ड मी ही डिसीव्ड मी नेक्स्ट डिले डिले मीन्स होता है देरी करना एग्जाम्पल देखिए देरी मत करो डोंट डिले डोंट डिले नेक्स्ट वर्ड इज मीन जिसका हिंदी मीनिंग होता है मतलब फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे कहने का मतलब क्या है वट डू यू मीन टू से वट डू यू मीन टू से नेक्स्ट इम्पोटेंट इम्पोटेंट का मतलब होता है नामर्द फॉर एग्जाम्पल जो औरत पर हाथ उठाता है वह नामर्द है हु एवर हिट्स अ वेन इज एन इम्पोर्टेंट हु एवर हिट्स अ वमेन इज एन इम्पोर्टेंट नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑफेंसिव ऑफेंसिव मीन्स होता है अपमानजनक फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए अपमानजनक शब्द प्रयोग मत करो डोंट यूज़ ऑफेंसिव वर्ड्स फॉर मी डोंट यूज़ ऑफेंसिव वर्ड्स फॉर मी नेक्स्ट कन्फर्म कन्फर्म मीन्स होता है पुष्टि करना फॉर एग्जाम्पल मैं इस बात की पुष्टि करता हूँ आई कन्फर्म इट आई कन्फर्म इट नेक्स्ट कंसेंट कंसेंट मीन्स होता है सहमति फॉर एग्जाम्पल इसके लिए मैं सहमति नहीं दे सकता आई कांट गिव माई कंसेंट फॉर दिस आई कांट गिव माई कंसेंट फॉर दिस नेक्स्ट सुपरिस्टिशियस सुपरिस्टिशियस का मतलब होता है अंधविश्वासी फॉर एग्जाम्पल वो बहुत अंधविश्वासी है ही इज वेरी सुपरस्टिशियस ही इज वेरी सुपरिस्टिशियस नेक्स्ट शिवर शिवर मीन्स होता है कांपना। फॉर एग्जाम्पल वह ठंड से कांप रहा है ही इज शिवरिंग विद कोल्ड ही इज शिवरिंग विद कोल्ड नेक्स्ट वीन्स होता है घाव फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे घाव से खून निकल रहा है योर वूड इज ब्लीडिंग योर वूंड इज ब्लीडिंग नेक्स्ट विक्टिम विक्टिम मीन्स होता है पीड़ित फॉर एग्जाम्पल पुलिस ने पीड़ित को भरोसा दिलाया पुलिस अश्योर द विक्टिम पुलिस अश्योर द विक्टिम नेक्स्ट डिग डिग मीन्स होता है खोदना फॉर एग्जाम्पल तुम यहाँ क्या खोद रहे हो वट आर यू डिगिंग हेयर वट आर यू डिगिंग हेयर नेक्स्ट श्रिंक श्रिंक मीन्स होता है सिकुड़ना एग्जाम्पल देखिए इसका मेरी कमीज एक महीने में सिकुड़ गई माई शर्ट श्रिंक्ड इन अ मंथ माई शर्ट श्रिंक्ड इन अ मंथ नेक्स्ट थर्स्टी थर्स्टी मीन्स होता है प्यासा फॉर एग्जाम्पल मुझे प्यास लगी है आई एम थर्स्टी आई एम थर्स्टी नेक्स्ट वर्ड इज पोस्टपोन पोस्टपोन का मतलब होता है टालना एग्जाम्पल देखिए हमने शादी टाल दी वी पोस्पोन द वेडिंग वी पोस्पोन्ड द वेडिंग नेक्स्ट वर्ड इज मार्श मार्श का मतलब होता है दलदल एग्जाम्पल देखिए आगे दलदल है देर इज अ मार्श अहेड हैड देर इज अ मार्श अहेड नेक्स्ट एक्सपोज एक्सपोज का मतलब होता है भांडा फोड़ना फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगा आई विल एक्सपोज यू आई विल एक्सपोज यू नेक्स्ट ब्लेम ब्लेम मीन्स होता है आरोप लगाना किसी पर एग्जाम्पल देखिए इसके लिए मुझ पर आरोप मत लगाओ डोंट ब्लेम मी फॉर दिस डोंट ब्लेम मी फॉर दिस नेक्स्ट ल्यूक वम ल्यूकाम का मतलब होता है गुनगुना फॉर एग्ज़ाम्पल मैं गुनगुना पानी पीता हूँ आई ड्रिंक ल्यूक ल्यूकवाम वॉटर आई ड्रिंक ल्यूक ल्यूकवाम वॉटर नेक्स्ट वर्ड इज एपिलेप्सी एपिलेप्सी का मतलब होता है मिर्गी फॉर एग्जाम्पल उसे मिर्गी है शी हैज़ एपिलेप्सी शी हैज़ एपिलेप्सी नेक्स्ट इज क्लेम क्लेम का मतलब होता है दावा करना एग्जाम्पल देखिए वह डॉक्टर होने का दावा करता है ही क्लेम्स टू बी अ डॉक्टर ही क्लेम्स टू बी अ डॉक्टर नेक्स्ट वर्ड इज मिस मिस का मतलब होता है चूकना फॉर एग्जाम्पल मैं मौका चूक गया आई मिस्ड द अपॉर्चुनिटी आई मिस्ड द अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट बम्प बम्प मीन्स होता है टकराना फॉर एग्जाम्पल वह मुझसे टकरा गई शी बम्ड इंटू मी शी बम्ड इंटू मी हमारा आज का लास्ट वर्ड है होवर होवर मीन्स होता है मंडराना एग्जाम्पल देखिए मेरे ऊपर मत मंडराओ डोंट होवर ओवर मी डोंट होवर ओवर मी तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 50 वर्ड्स देखा आपने कितनी आसानी से हम इनको एग्ज़ाम्पल के साथ यूज़ कर सकते हैं समझ सकते हैं और इनको यूज़ करके हम अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको भी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिससे कि हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ